नमस्कार दोस्तों, हीरा योगी सिर्फ बनाए आप लोगों के लिए और आप लोगों की सेवा के लिए। तो आज जैसे कि शिखा शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शिखा सहरावत, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी सहरावत तो एक्सक्यूज में जाट होते हैं ना? हाँ जी, मैं जाट ही हूँ। हाँ जी, मैं जाट नहीं ही हूँ। और लेकिन मेरी बोली बिल्कुल भी खड़ी बोली नहीं है, मैं बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हूँ। और मेरा स्कूलिंग सब कुछ दिल्ली से ही हुआ है। ग्रेजुएशन भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। फिर उसके बाद मैंने आपके ग्रेजुएशन में स्ट्रीम किया था आर्ट्स से? मैं बीए किया था मैंने, वो आर्ट्स है, लेकिन मैं स्कूल में एक साइंस स्टूडेंट थी, नॉन मेडिकल स्टूडेंट थी मैं। लेकिन मेरे पास नॉन मेडिकल में इकोनॉमिक्स था, बायोलॉजी नहीं थी, तो मेरा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चला गया। ठीक है। फिर मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया इकोनॉमिक्स से। नाइस। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर जैसे कि जाट फैमिली, आपने पहले कह दिया कि जाट नहीं है, तो जाट फैमिली में क्या होता है कि सबको लगता है कि लड़की के लिए टीचिंग जॉब सबसे अच्छी है। ओके। बीएड बहुत कराते, जेबीटी और बीएड बहुत। हालांकि 12th के बाद मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे जेबीटी नहीं करना है, लेकिन जब ग्रेजुएशन हो गई तो कहीं ना कहीं लगा कि चलो यार कर लेते हैं। घर वाले ने जेबीटी नहीं किया है, मैंने बीएड किया है, लेकिन उसमें भी मेरे पास इकोनॉमिक्स और मैथ सब्जेक्ट थे। फिर जब मैं बीएड कर रही थी और मुझे कुछ कुछ चीजें लग रही थी, जैसे कि बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे थे मेरे साथ लाइफ के उस टाइम, अपने को जानने का भी, और उस टाइम मेरे साथ कुछ जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं घर पे, कुछ फादर से रिलेटेड भी उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ही ज़्यादा उदास महसूस करती थी अपने आप को। बहुत उदास रहने लगी थी, और मैं मोटी भी होती जा रही थी, मेरा वेट बहुत गेन हो रहा था जल्दी से, फेस पर एक्ने स्टार्ट हो गए थे, और मैंने सारा ट्रीटमेंट लिया, मैंने मेडिकेशन लिया 1-1.5 साल तक, लेकिन कोई मतलब कुछ सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था मुझे। फिर मुझे लगने लगा कि यार अभी मेरी एज बहुत कम है और अभी मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं जब मैं बड़ी होती चली जाऊंगी तब मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूंगी, मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और मैं स्कूल में थी, मैं योगा करती थी, लेकिन वो योगा ऐसे होता, मतलब योगा को समझा नहीं था मैंने उस टाइम, योगा होता क्या है, सिर्फ बस 1-2 आसन कर लिए। स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें किया, लेकिन हमारा स्कूल हमेशा फर्स्ट आता था। फिर मैंने सोचा बीएड करते करते कि जैसे ही मेरी बीएड कंप्लीट होती है मुझे योगा सीखना है, मुझे योगा को अंदर से जाना है। इस तरीके से हुई थी। मुझे लगा था मुझे पहले अपने आप को ठीक करना है, जिस हिसाब से मेरी एज है उस हिसाब से मैं रह नहीं रही हूँ, लोग खुश रहना चाहते हैं, मैं भी खुश रहना चाहती थी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी जो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी अभी आपको। ठीक है। फिर आपने बताया कि आपने कॉलेज ख़त्म किया, उसके बाद आपने पढ़ाई के लिए आप बीएड किया लोनावला भी, शायद आप पढ़े हैं लोनावला में? हाँ, मैंने लोनावला में केवला धाम है योगा इंस्टीट्यूट। ओके। मैंने वहाँ से फिर डिप्लोमा किया योगा में, पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन। मैंने बहुत रिसर्च की, नेट पे मैं सब कुछ देखती थी कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कैसे क्या है, और भगवान की दुआ से मेरा वहाँ पर एडमिशन हो गया। मैं गई वहाँ, पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपको, जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं किसी हॉस्टल में रही, मैं कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं रही, अपनी मदर से दूर नहीं रही। तो मेरी मम्मी है मुझे वहाँ छोड़ने गई थी, और जब वो मुझे वापस छोड़कर आ रही थी तब भी मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि मैं मोह माया से घिरी हुई थी बिल्कुल, मुझे फैमिली याद आती थी, सॉरी मम्मी याद आती थी। लेकिन जैसे जैसे फिर मुझे लगा कि मैं जो काम करने आई हूँ मुझे वही करना है, मैं योगा सीखने आई हूँ तो मुझे योगा सीखना है, इसको समझना है कि ये क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें समझी। फिर आपकी पोस्टिंग, आपने बोला कि आप इंटर्नशिप पे पंजाब में रही 1.5-2 साल। हाँ जी, वो मैं कोर्स करने के बाद गई थी। ओके। तो मेरे क्वेश्चन था ये कि जब आप पंजाब में रहे और पंजाब में जो लोग बड़े दुखी टाइप की फीमेल्स रहती हैं, लोग ऊपर से तो देखते हैं कि वो बड़ी सुंदर रहती हैं, बड़ी खुश दिखती हैं, लेकिन आपने जब मुझे बताया कि अंदर से वो इतना डिप्रेस हैं, तो हाउ टू बी ए हैप्पी लाइफ, तो उसके बारे में कुछ बताओ कि वहाँ की फीमेल्स पर आपने ऐसा क्या जादू किया। मैंने देखा आपके बहुत सारी जो स्टूडेंट थी आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रही थी। अच्छा। तो आपने ऐसा उनको क्या जादू किया कि हैप्पी रहने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन मेरा ये बन रहा है कि हैप्पी रहने के लिए क्या आप कर सकती है, फीमेल्स को करना चाहिए जो गृहस्थ आश्रम में है? हाँ जी, जब मैं पंजाब में थी स्कूल में, वहाँ पे साइड बाय साइड मैं कुछ लेडीज़ मेरे पास आती थी, मैं उनको सिखाती थी योगा, और मैंने उनको देखा कि वो खुश नहीं है, अपनी जॉब से खुश नहीं है, अपनी फैमिली से खुश नहीं है, तो मैंने उनको बताया, वो कहते थे मैम हम खुश नहीं रह सकते, हम कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें, लेकिन कहीं ना कहीं सोच विचार मन में आते हैं, नेगेटिविटी मन में आती है। तो मैंने उनके सेशन लेने स्टार्ट किए योगा के, बेसिकली मैं मेडिटेशन में ज़्यादा कराती थी उनको, मेडिटेशन मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने वहाँ कराना भी स्टार्ट किया।
और जब मैंने कराया वो मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे। मेडिटेशन में क्या कराते थे थोड़ा बताएंगे थोड़ा सा? मेडिटेशन में मैं उनको कराती थी फुल बॉडी स्कैनिंग, उनको बताती थी जो हमारे बॉडी के वाइटल पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान उनको देना है और कॉन्सेंट्रेट करना है अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर, हाउ डू यू इनहेल हाउ यू एक्सहेल, पूरा ध्यान प्रोसेस डिपेंड ऑन योर ब्रीदिंग एंड द बॉडी राइट। यस ओके देन। और मैं उनको फिर लाइंग डाउन का भी कराती थी, उनको पूरा लेटा कर उनकी आंखें बंद करवा कर उनकी बॉडी मूवमेंट्स पर उनका ध्यान लेकर जाती थी। उनको कहती थी अगर थॉट्स आते भी हैं तो कुछ बुरा नहीं है, वो थॉट्स धीरे धीरे आएंगे और धीरे धीरे चले जाएंगे, और अगर वो थॉट्स आपको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि किसी किसी के थॉट्स हो सकते हैं कि आपको बहुत खुश करें, किसी किसी के थॉट्स हो सकते हैं जो आपको रुला दे। हाँ बहुत सारे मैंने देखा लोग रोने वाले ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोगों के अंदर कहते हैं सप्रेशन, बातें दबा लेते हैं, खुल के सामने नहीं आते लोगों के, चीजें दबा लेते हैं, किसी का डर है वो क्या कहेगा ये क्या कहेगा। मैं नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कोई समस्या, क्या आपको चाहिए समाधान, तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, धन्यवाद। आ जाऊंगी वो मुझे ऐसा समझेगा, तो ये चीजें हमारे अंदर दबी रहती है तो वो सप्रेशन का रूप ले लेती है, वो फिर आंसुओं के रूप में बाहर आती है। तो आपने उनको निकाला कैसे? मैंने उनको मेडिटेशन, जो मैं उनको इंस्ट्रक्शंस देती थी, मैं उनको लाइंग डाउन पोजीशन में लेटाती थी, मैं उनको इंस्ट्रक्शंस देती थी, मैं कहती थी अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान दीजिए, थॉट्स आते हैं कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रही, कुछ लोग सोचते हैं मेडिटेशन में थॉट्स नहीं आना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, आपको सोचना ही नहीं है, पर ये पॉसिबल नहीं है स्टार्टिंग में, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। स्टार्टिंग में थॉट्स आएंगे और कुछ भी इसमें गलत नहीं है, देखो योगा एक ऐसी फील्ड है जिसमें कुछ भी गलत या अच्छा नहीं होता, सब कुछ होता है हमारा एक्सपीरियंस, हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो योगा है। तो उसमें सबसे पहले आपने उनको क्या करना सिखाया कि पॉजिटिविटी से आपने उसको चालू किया कि? पहले तो मैंने उनको यही कहा कि आप बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें सोचो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, शिकायतें मत करो। जैसे सुबह अगर आप सो के उठते हो सुबह तो अपने आप से कहो कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, पूरे दिन कहते रहो, रिपीट करो बार बार, तो देखना वो दिन आपका अच्छा जाएगा, आप खुश रहोगे। तो बैलेंस कैसे बनाते हैं फैमिली के अंदर में, आप बैलेंस कैसे बनाएं? फीमेल आजकल फीमेल्स की शिकायत ये है कि हम बच्चों को भी संभाल रही हैं, पतियों को भी संभाल रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं, जॉब भी है साथ में, और अपने को वो संभाल नहीं पाती, बट वो संभाल नहीं पाती क्योंकि उनके ऊपर सारा प्रेशर है, जॉब का भी है, हस्बैंड का है, बच्चों का है, सारी चीज़ें उन्हें देखनी होती है। तो उसमें मेन रीज़न क्या है, उनके पास टाइम अपने लिए नहीं है, वो अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही है। तो मैंने उनको बताया कि दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखें, ठीक है आपका प्रोफेशन है आप चीज़ें करती हैं लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, और जो आपकी हॉबीज़ हैं या जो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है जिससे आपको खुशी मिले आप वो कीजिए। Okay. जैसे कुछ भी हो सकता है, वो आपको डांस करना पसंद है, लिखना पसंद है आप लिखिए बैठ के, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है आप म्यूजिक सुनिए, और आपको डांस करना पसंद है लेकिन आपको नहीं आता है लेकिन तो शुरू हो जाओ, खड़े हो जाओ और शुरू हो जाओ। मुझे डांस बहुत पसंद है, मैं कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ लेकिन मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, जब भी डीजे चलता है किसी की भी शादी हो मैं जाती हूँ, शुरू हो जाती हूँ, मैं वेट नहीं करती मुझे कोई बुलाएगा। आदमी के अंदर में ना एक कहते हैं ना, एक या तो सूरदास बाहर निकलेगा, कोई नृत्य की अप्सरा बाहर निकलेगी, तो वो हर किसी में होते हैं, बस कोशिश करनी है, समाज को छोड़ के बस करना है खुश रहना है, खुश रहना है, और खुश रहने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाऊंगी या चुकाऊंगा। बिल्कुल। आर यू एग्री मैम? यस। तो मैम एक और चीज़ बताइए, एक वर्ड होता है लव, लव, और परिवार के अंदर में लव का बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल। और आजकल लव के मायने बड़े अलग अलग हैं, कुछ लोग शारीरिक लव की बात करते हैं, कुछ लोग फैमिली लव की बात करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको संत पुरुष बोलते हैं, उस संसार के हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो जो फीमेल्स हैं इनको कैसे लव से कनेक्ट होना चाहिए कि इनको जो प्रेम पारिवारिक प्रेम हो ज़्यादा या सांसारिक हो, इनमें समय बैलेंस कैसे बनाए और ध्यान कैसे सपोर्ट करता है? बैलेंस तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, मैं जैसे एक योगा टीचर हूँ, आपने पहले ही बताया सबको, तो योगा से पहले मैं भी ऐसे ही थी, कैसे चीज़ें करूं, कैसे, मुझे नहीं समझ में आता था, एज भी इतनी नहीं थी, लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब आपके लाइफ में भी एक लविंग फैक्टर गुजरा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो टीनेज होती है वो सबके साथ होता है लेकिन उसको लव नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। okay. तो मैं कोई यूनिक पीस तो नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ होगा, आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। बिल्कुल होता है। तो लव तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन जो आपने बैलेंसिंग की बात करी है कि लव के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में, तो मैं तो एक योगाचार्य हूँ, योगा टीचर हूँ, मुझे योगा से बहुत प्रेम है और मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप योगा को अपनाएं, सारी चीज़ें अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगी। ओके ओके। और एक चीज़ मैं आप ऐड करना चाहता हूँ, एक ग्रेटिट्यूड वर्ड होता है, हृदय से गहराइयों से समर्पण, शुक्रिया का एक भाव पैदा हो जाए,
हर किसी के प्रति। जो लोग शिकायतें ज़्यादा करते हैं ईश्वर कभी उनका हेल्प नहीं करता। जो लोग सिर्फ कमियों में बिलीव करते हैं ईश्वर उनको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, इवन उनको धक्का दे देगा, जा गटर के कीड़े में गटर में चला जा। रियलिटी बता रहा हूँ, नर्क उसी को कहा जाता है। आप दूसरे वालों को वो दो जो आप खुद के लिए चाहते हो, जिंदगी में आनंद आनंद आ जाएगा। तो थैंक यू शिका जी, आज आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप ऐसे ही मुस्कुराती रही मैडम। देखो लोग कहते हैं सर आप क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली मैडम की स्माइल बहुत अच्छी है यार। मैडम ऐसे ही मुस्कुराती रहें और लोगों को मुस्कुराहट देने के राज बताती रहें कि जीवन की यही सच्चाई है। आप ये याद रखनी, स्त्री के रंग रूप पे मत जाइए, उसके हृदय की गहराइयों तक भी आप जाइए। मैं आपको ये एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो ऊपरी तल से देख रहे हो क्या पता अंदर वो उससे अलग हो। अगर आप इसको समझ गए तो जीवन का आनंद लोगे, वरना जिंदगी वही है उन लोगों की जो नकारात्मक हैं, जैसे सड़क पे रेंगने वाले कीड़ों की, जिनका कोई अस्तित्व ना होके भी है और है के भी नहीं है, तो वह स्थिति बन जाती है। तो खुश खुश रहिए, हैप्पी रहिए। प्रभु से तो मेरी यही प्रार्थना है, हम दोनों चाहते हैं आप सबकी सेवा में हमेशा लगे रहें, और ईश्वर हम सबको खुश रखे, हैप्पी रखे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।